हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर होप चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने साइट के साइड बार में मैनुअल ऐड कैसे लगा सकते हैं, वो भी विदाउट प्लगइन। और हाँ गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अपने टूलिंग वेबसाइट पे किस तरह से ऐड लगा सकते हैं, वो भी मैं इस वाले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अब जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल एडसेंस के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे चले जाना है इनफीड ऐड। इनफीड ऐड में आने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको करना है क्रिएट ऐड स्टाइल मैनुअल। मैनुअल करने के बाद यहाँ पे अबो इमेज सेलेक्ट करना है, जैसे कि इस चार फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि इमेज अबो, जो टेक्स्ट जो रहेगा हमारा नीचे रहेगा और इमेज अबो रहेगा ऊपर रहेगा, और इसके अंदर इमेज ऑन साइड बार है, जैसे कि इमेज रहेगा लेफ्ट साइड में और साइड में टेक्स्ट रहेंगे, और टाइटल अबो मतलब जो टाइटल है इस वाले में ऊपर रहेगा, इमेज लेफ्ट साइड इमेज रहेगा, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट रहेगा। तो आपको कौन सा चाहिए, कौन सा ऐड आप शो कराना चाहते हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इमेज अबो करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐड यूनिट नेम डाल देना है आपकी, आपको फ्यूचर में पता होना चाहिए कि ये ऐड कहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड बार। अभी यहाँ पे कौन से वेबसाइट के लिए आप कर रहे हैं, आपके पास अगर मल्टीपल वेबसाइट है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको सिंपली फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, आपके वेबसाइट का फॉन्ट कौन सा है, जो भी आपका वेबसाइट का फॉन्ट है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए सिंपली। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कलरिंग का भी ऑप्शन है, जैसे कि आप कौन सा बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपके वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है ब्लैक है तो आप यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बॉर्डर आप रखना चाहते हैं ऐड पे तो बॉर्डर भी रख सकते हैं। पैडिंग आपको रखना है उसके अंदर तो वो भी रख सकते हैं। इमेज ऑप्शन में इमेज कितना पैडिंग होना चाहिए वो सब आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग का फॉन्ट क्या है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक एरर आ रहा है, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे पहले भी एरर आया था, उसका रीजन यही है कि यहाँ पे जो टेक्स है, जो हमारा टेक्स है वो भी ब्लैक ही है, इसकी वजह से वो बोल रहा है। अभी हम इसको वाइट कर देंगे तो एरर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे एरर निकल गया, अगर मैं यही ब्लैक रखता था तो देखिए तो ये एरर दिखा रहा था। तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा जो यहाँ पे देखेंगे तो ऐड जो है वो ऐसा विजिबल होगा, जैसे बैकग्राउंड ब्लैक जैसे मैंने सेलेक्ट किया और टेक्स्ट वाइट। ठीक है, आपको पैडिंग रखना है तो आप रख सकते हैं, आपको कहाँ लगाना है वो उसके ऊपर है। ठीक है, जैसे कि अभी हम साइड बार में लगा रहे हैं तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्शन कौन से कलर होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ग्रे कलर दिखा रहा है, यहाँ पे हम इसको भी वाइट कर देंगे तो देखिए कैसे दिखेगा, ऐसा वाइट दिखेगा। थोड़ा सा हम इसको डिम करेंगे, देखिए और भी कर सकते थे लेकिन ये थोड़ा दिखेगा नहीं। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे आपने सारी चीज़ें कर लिया। अभी यहाँ पे देखिए यूआरएल कलर कौन सा होना चाहिए, आप यहाँ पे यूआरएल कलर भी डाल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे यूआरएल कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आ जाएंगे बटन पे, बटन के अंदर आप देखेंगे तो फॉन्ट कलर है, ये जो फॉन्ट कलर है कौन सा होना चाहिए अपने हिसाब से। देखिए इतना करने के बाद आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आपका फुलफिल होने के बाद यहाँ पर सिंपली इसको सेव करेंगे एंड गेट कोड करेंगे। ये होने के बाद यहाँ पे कॉपी कोड स्निपेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा गूगल एडसन के डैशबोर्ड का सारा काम हो चुका है। अभी हम चलेंगे अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। गाइस देखिए मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। सिंपली आपको चले जाना है यहाँ पे अपीयरेंस में, उसके बाद विजिट में। ठीक है, विजिट में आने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे मेन साइड बार है मेरा, आपका कोई और साइड बार भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप जो थीम यूज कर रहे हो उसके ऊपर है, अगर आप थीम दूसरा कुछ यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे दूसरा कुछ आता रहेगा। या गाइज मैंने यहाँ पे क्लासिक विजिट प्लगइन यूज किया, इसके लिए इस फॉर्मेट में दिख रहा है। अगर आपने क्लासिक विजिट प्लगइन नहीं यूज किया रहेगा तो वो सिंगल रो में ही सारी चीज़ें दिखते हैं, तो कोई बात नहीं, हम वहाँ पर भी वो ऑप्शन रहता है तो उसमें भी हम लोग इजीली लगा सकते हैं। सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कस्टम एस्टीमल है, कस्टम एस्टीमल है तो मुझे कहाँ पे वो लगाना है ऐड वो देख लीजिए। जैसे कि हम लगाएंगे ऐड यहाँ पे टॉप पे। ठीक है, अभी हमने जो कोड को कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सिंपली सेव कर देंगे, यहाँ पे डन कर देंगे।
उसके बाद हम अभी चलते हैं रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा एड्स होना स्टार्ट हुआ कि नहीं। अभी इस समय देखिए मेरा जो ऐड है यहाँ पे शो हो रहा था, ठीक है, पहले वाला ऐड। अभी हम फिर से रिफ्रेश करेंगे। उससे पहले आप अगर आपके पास कोई भी प्लगइन है जो कैचे रिमूव करता है उसको यूज़ कीजिए थोड़ा, और उसको कैचे रिमूव कर दीजिए और सिंपली आपको फिर से चले जाना है ऐड वाले पे। अभी हम रिफ्रेश करके देखेंगे कि हमारा ऐड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए हमारा जो ऐड है यहाँ पर शो होने लगा। इससे पहले जो ऐड था यहाँ पर शो हो रहा था यहाँ पे, और इसके नीचे वाले में ऐड शो हो रहा था, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अभी हमारा जो ऐड है वो यहाँ पे शो होने लगा। देखिए गाइज़, तो हमारा ये ऐड यहाँ पे साइड बार में लग चुका है। तो गाइज़ इस तरह से आपको साइड बार में ऐड लगाना है। आई होप गाइज़ ये वीडियो आपको बहुत पसंद होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। गाइज़ मैंने टूलिंग वेबसाइट प्लेलिस्ट बनाया है, उसके अंदर मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट भी देके रखे हैं। आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके अपने वेबसाइट पे टूल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने उसके बारे में भी बताया कैसे ऐड करना है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।